नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। पूर्वी लद्दाख में LAC पर पिछले 6 महीने से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। 6 माह से जारी टकराव को खत्म करने के लिए पिछले दिनों 8वें दौर की कोर कमांडर वार्ता भी हुई। इस वार्ता में दोनों देश की तरफ से 3 चरणों में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। जो ताज़ा खबरें आई हैं उसके मुताबिक लद्दाख की पेंगोंग सो के उत्तरी किनारे पर फिंगर फोर से PLA पीछे नहीं हट रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, PLA की तरफ से यहां पर एक एक्सरसाइज भी हो रही है। साथ ही फिंगर 6 और फिंगर 8 के बीच एक सड़क का निर्माण भी PLA की तरफ से किया जा रहा है। PLA का मकसद इस सड़क निर्माण की मदद से जवानों की तैनाती में तेजी लाना है। पिछले 30 दिनों में PLA लगातार जवानों की तैनाती को बढ़ा रहा है। भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट पर 9वें दौर की वार्ता होनी है। अभी तक इसकी तारीख पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसके जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। जबकि चुशूल में हुई 8वें दौर की वार्ता में दोनों देश इस बात पर रजामंद हुए थे कि पेंगोंग सो से सेनाओं को 3 चरण में हटाया जाएगा। सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की माने तो PLA समर लुंगपा पर निर्माण कार्य कर रहा है। काराकोरम पास से 30 किलोमीटर पूर्व में और माउंट साजुम पर भी उसकी मौजूदगी देखी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारियों की माने तो PLA डिसएंगेजमेंट चाहता है और जल्द ही इसके प्रमाण नजर आ सकते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस मौजूद हैं उसके मुताबिक फिलहाल उसकी तरफ से इस तरह के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। ऐसे में इंडियन आर्मी लंबे टकराव के लिए तैयार हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।